हरियाणा से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट के लिए घंटी बजाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज, सच के साथ खबरें बेबाक। जैसे जैसे 15 अगस्त नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे देश भर में पुलिस सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम को लेकर कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। इस पर एक रिपोर्ट देखिए। जैसे जैसे 15 अगस्त यानी कि स्वतंत्रता दिवस नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे पुलिस सुरक्षा के लिए कड़े रुख अपनाती हुई नजर आ रही है। देश का ऐसा कोई भी कोना नहीं जहां पुलिस की निगरानी ना हो। चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती की गई है। वहीं दिल्ली में फुल ड्रेस रिहर्सल के चलते भारी वाहनों की एंट्री भी बंद कर दी गई है, जिसकी वजह से बहादुरगढ़ सेक्टर 9 मोड़ पर वाहनों की लंबी कतारें लग गई है। और बताया जा रहा है कि दोपहर बाद दिल्ली में इन वाहनों की एंट्री हो पाएगी और 14 अगस्त की रात को फिर से दिल्ली में भारी वाहनों की एंट्री बंद कर दी जाएगी। 15 अगस्त के संबंध में जो डायरेक्शन आई है दिल्ली में हैवी व्हीकल की स्नो एंट्री है तो उस संबंध में रोके गए हैं। जो भी सर्विस रोड है हमारे इस साइड में उसका तकलीफ अनुसार लगवाया गया है, जिससे आने जाने वालों को कोई दिक्कत ना हो और उसका सुरक्षा का भी ये ध्यान रखा जाएगा। अनुच्छेद 370 और 35 से हटाए जाने के बाद से ही देश भर में खासकर की कश्मीर में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। दूसरी ओर राजधानी में भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 73वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किला से राष्ट्र को संबोधित करेंगे, जिसको देखते हुए लाल किले के आसपास भी सुरक्षा के विशेष प्रबंध किए गए हैं और इसके तहत बहुत स्तरीय सुरक्षा घेरा तैयार किया गया है, जिसमें एनएसजी कमांडो भी तैनात किए जाएंगे। 13 और 15 तारीख को 12 बजे से 11 बजे तक, उसके बाद जैसे भी टाई अप करके दिल्ली के अपने ट्रैफिक अथॉरिटी से उसके बाद इनको तर्तीब अनुसार छोड़ा जाएगा। अब बात करते हैं गोहाना की, जहां देवीलाल स्टेडियम में फुल ड्रेस रिहर्सल की गई। इस दौरान गोहाना के नायब तहसीलदार ने मौके पर पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया। और आपको बता दें कि गोहाना में हर साल की तरह इस साल भी 15 अगस्त यानी कि स्वतंत्रता दिवस बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। मुख्य कार्यक्रम देवीलाल स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। 15 अगस्त की तैयारियों को लेकर प्रशासन सख्त है और जगह जगह पर तैयारियों का जायजा लिया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो पूरे प्रदेश में 15 अगस्त के लिए चाक चौबंद तैयारियां की जा रही हैं और तमाम शहरों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजामों के साथ साथ जो कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जैसे कि 15 अगस्त को हर शहर में खास परेड होती है जहां पर मुख्य अतिथि के तौर पर आते हैं कई प्रशासनिक लोग और कई प्रोग्रामों में नेता भी आते हैं। तो ऐसे में प्रदेश भर के तमाम शहरों का लगातार हरियाणा न्यूज की टीम ने जायजा लिया और देखा कि किस तरीके से कार्यक्रम की भव्य तरीके से तैयारियां भी चल रही हैं और शहर भर में पुलिस की जो जिम्मेदारी है उसको भी पुलिस कर रही है। चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है और पूरे प्रदेश में अगर मुख्य तौर पर गोहाना की बात करें, पंचकुला की बात करें, ये वो तमाम शहर जहां पर स्वतंत्रता दिवस पर स्पेशली समारोह आयोजित होते हैं और यहां पर समारोह को लेकर तैयारियां बखूबी की जा रही हैं। आपको बता दें दिल्ली, देश की राजधानी दिल्ली की बात करें तो वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित करेंगे और उसे लेकर पूरी दिल्ली में चाक चौबंद व्यवस्था है और आज फुल ड्रेस रिहर्सल भी वहां पर होनी है। हमारे साथ गोहाना में क्या कुछ तैयारियां हैं इसको लेकर संवाददाता जुड़ गए हैं, सुनील जिंदल, उनसे सीधा जानते हैं। सुनील, 15 अगस्त की तैयारियां पूरे प्रदेश भर में लगातार जारी हैं, गोहाना को लेकर क्या जानकारी मिल पा रही है, क्या तैयारियां वहां पर? देखिए, आज गोहाना के देवीलाल स्टेडियम में जो है फुल ड्रेस फाइनल रिहर्सल करवाई गई थी, जहां करीब 1500 से ज्यादा स्कूली बच्चों ने भाग लिया। पहले पीटी और इसके बाद जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है वो करवाए गए और खुद जो गोहाना के नायब तहसीलदार हैं उन्होंने इसका जो है निरीक्षण किया है। देखिए, अब की बार जो है 15 अगस्त में जो है गोहाना के एसडीएम मुख्य अतिथि के तौर पे जो है यहाँ पहुंचेंगे। और अगर सुरक्षा की बात करें तो देखिए, शहर में जो है 15 अगस्त को लेकर सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। हर चौक पे जो है पुलिस नाके लगाए गए हैं, तैनाती की गई है। बाजार में, सिविल में भी जो है पुलिस की तैनाती की गई है। चप्पे चप्पे पर पुलिस जो है एक्स्ट्रा पुलिस
फोर्स जो है वो लगाया गया है और गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है, क्योंकि देखिए अब की बार आईटी ने भी जो है देश भर में अलर्ट जारी किया है, उसी बहाना में भी जो है पुलिस प्रशासन चाक चौबंद है और फुल ड्रेस जो है रिहर्सल आज करवाई गई थी। पुलिस देखिए गोहाना के जो डीएसपी है उनका साफ कहना है कि किसी को भी कानून अपने हाथ में नहीं लेने दिया जाएगा। जो गोहाना में जो होटल संचालक हैं जो बिल्कुल सुनिए आप हमारे साथ बने रहिए, एक बार फिर से आपका रुख करेंगे। अभी फिलहाल हमारे साथ रिटायर्ड एसपी महाराज सिंह जी जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत सर आपका। आजादी का ये पर्व देश में बड़ी धूमधाम के साथ हर साल मनाया जाता है और इस साल भी पूरे देश में आजादी के इस पर्व को लेकर भव्य रूप से तैयारियां हो रही हैं। अगर हम हरियाणा की बात करें, दिल्ली की बात करें, तो यहां से जो खबरें हमें मिल रही हैं फुल ड्रेस रिहर्सल की जा रही है, पुलिस भी यहां पर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम कर रही है, तो एक पुलिस कर्मी होने के नाते, पुलिस अधिकारी होने के नाते क्या जानकारी आप दर्शकों से साझा करना चाहेंगे कि जब आजादी का ये पर्व आता है तो उसमें पुलिस की क्या भूमिका होती है, कितनी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं इस पर्व को लेकर? पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से श्रोताओं को आजादी के इस पर्व की और रक्षाबंधन की शुभकामनाएं देना चाहता हूं। जी, और फिर जो आपने बात बताई ये पर्व है जी, जो जो संकुचित दिमाग के आदमी हैं जिन्हें हम उग्रवादी के हैं या समाज विरोधी तत्व के हैं, जो भी कुछ के हैं जी, वो अपनी इम्पोर्टेंस बढ़ाने के लिए ऐसे टाइम पे कुछ ना कुछ घटना करने की सोचते रहते हैं जी। उससे लोगों को बचा के रखने के लिए पुलिस की जिम्मेवारी बनती है कि उनकी जो है उनपे ये प्रेशर रहे कि वो बाहर निकल के इसमें कोई अपनी भूमिका अदा ना कर सके जी। और आम आदमी इसे पर्व को पर्व की तरह ही खुशी बिल्कुल से उल्लास से मना सके। बिल्कुल महाराज सिंह जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित करने वाले 15 अगस्त को और जिस तरीके के अभी फिलहाल जो है केंद्र सरकार द्वारा जो लेकर आई है प्रस्ताव और जिस तरीके के बिल पास हुए, अभी फिलहाल जम्मू कश्मीर से धारा 370 भी हटी है, 3 तलाक बिल भी सरकार जो है लेकर आई है, तो इस तरह के वातावरण में कितनी और जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन पर बढ़ती है या प्रधानमंत्री की सुरक्षा व्यवस्था में बढ़ती है? क्योंकि दिल्ली में जो फिलहाल स्थिति है, जो जानकारी मिल पा रही है, चाक चौबंद व्यवस्था है, अभी से तैयारियां जो है वो तेज हैं और आज फुल ड्रेस रिहर्सल मात्र होनी है, लेकिन उसके बावजूद भी दिल्ली के तमाम रास्ते आम लोगों के लिए बंद हैं। देखिए, जब हम चाक चौबंद करेंगे और आम आदमी को पर्व को पूरी तरह से मनाने की छूट देंगे तो कुछ कर्टेल तो करना ही पड़ेगा, कुछ वो तो लगानी ही पड़ेगी पाबंदियां। तो जी, ये पाबंदियां जो हैं ये इसलिए नहीं लगाई जा रही कि हमारा जो पर्व है वो ना मने जी, जी। ये इसलिए मनाई जाती है ज्यादा लोग इसे आसानी से मना सकें जी। जहां तक आपने ये 370 की बात की, ये तो व्यवस्थाएं हैं, पुरानी व्यवस्था चली आ रही थी, अब उस टाइम पर शांति नहीं हुई जी। अब नई व्यवस्था है, उसमें देखना ये है कि कितनी जल्दी शांति हो सकती है वहां पे। चलिए, ये तो व्यवस्था है, इसे 370 को बहुत लंबे चौड़े उसमें देखना, और वैसे देखा जाए 370 की अगर आप बात करते हो तो 370 सारी तो नहीं हटी, उसकी कुछ जी बिल्कुल। चलिए, वो अलग विषय हो गया। अभी फिलहाल जो हम बात कर रहे हैं देश के इस पर्व की, आजादी के इस पर्व की, जिसको लेकर आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि जो भी पाबंदियां लगती भी हैं वो पुलिस द्वारा या प्रशासन द्वारा इसलिए भी लगाई जाती हैं ताकि आम लोग उस पर्व को और अच्छे से बना सकें, उनकी सुरक्षा के मद्देनजर ये सब होता है। तो आम लोगों को थोड़ी बहुत जो परेशानियां भी होती हैं उसमें हम उम्मीद करेंगे कि आप पूरा सहयोग दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ महाराज सिंह जी जुड़ने के लिए। तो ये थे रिटायर्ड एसपी जिन्होंने बताया कि क्या भूमिका सुरक्षा कर्मियों की पुलिस की होती है और कितनी भूमिका बढ़ जाती है आजादी के इस पर्व पर। हमारे साथ कुरुक्षेत्र से संवाददाता भरत जुड़ चुके हैं। भरत, पूरे प्रदेश में तमाम शहरों में तैयारियां हो रही हैं 15 अगस्त के कार्यक्रम को लेकर, अगर कुरुक्षेत्र की बात करें तो क्या तैयारियां वहां पर? देखिए, मैं बताना चाहूंगा इस पर्व की जो है तैयारियां पहले की तरह की जा रही हैं, पर अब की बार जो है धारा 370 जो खत्म हुई है उसको लेकर जो है हाई अलर्ट पर पूरे मामले को रखा गया है, पूरा प्रदेश
नहीं बल्कि पूरा देश हाई अलर्ट पर है जी। इसी के मद्देनजर पुलिस जो है कहीं भी चूक कोड में नहीं है, होटल और दूसरी जगहों को अच्छी तरह से चेक किया जा रहा है और हर आने जाने वाले पर पुलिस की तरफ से कड़ी नजर रखी जा रही है और जो भी पुख्ता इंतजाम पुलिस की तरफ से किए जाने चाहिए थे वो लगभग किए जा चुके हैं। चलिए शुक्रिया आपका भरत तमाम जानकारी के लिए। तो पुलिस पर जिम्मेदारी बढ़ जाती है जाहिर तौर पर, लोगों की सुरक्षा के लिए, देश की सुरक्षा के लिए ही पुलिस द्वारा या सुरक्षा बल द्वारा सभी कदम उठाए जाते हैं। तो ऐसे में हमारा और आपका यही फर्ज है कि हम सहयोग करें और हमारा आजादी का पर्व बहुत अच्छे से मने, इसकी जो कोशिश हो रही है उसमें पूरी तरीके से बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। मैं तैयार हम 15 अगस्त के लिए देश की आजादी को मनाने के लिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार लाल किले की प्राचीर से क्या आह्वान करने वाले हैं ये भी देखना दिलचस्प होगा। और इस कार्यक्रम के लिए पूरे देश में चाक चौबंद व्यवस्थाएं की जा रही हैं। सबसे भव्य जो कार्यक्रम होगा वो दिल्ली के लाल किले से होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। इसके अलावा अगर हम हरियाणा की बात करें तो तमाम शहरों में समारोह का आयोजन किया जाना है उस दिन और उसके लिए रिहर्सल्स हो रही हैं, उसके लिए तैयारियां हो रही हैं। और जैसा कि हर साल 15 अगस्त पर परेड का कार्यक्रम होता है, तमाम जो VIPs होते हैं मुख्य अतिथि के तौर पर कार्यक्रमों में शिरकत करते हैं, देश के आजादी के इस पर्व को मनाया जाता है और छोटे छोटे बच्चों के लिए भी ये पर्व जो है बड़ा ही महत्वपूर्ण और बहुत खुशियों वाला होता है, मिठाइयां बांटी जाती हैं। और ऐसे में जो फिलहाल देश में माहौल है, जम्मू कश्मीर में जो हालात हैं उन हालातों के मद्देनजर हाई अलर्ट पर हैं स्थितियां और सुरक्षा बल लेकिन अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रहा है और पूरे प्रदेश में और देश की राजधानी में चाक चौबंद व्यवस्था सुरक्षा की भी की गई है। और यही वजह है कि आज अगर दिल्ली NCR से सटे इलाकों की बात करें, जैसे कि आज दिल्ली में फुल रिहर्सल होनी है, तो ऐसे में हरियाणा या जो भी दिल्ली NCR से सटे हुए दूसरे राज्यों के शहर हैं वहां के लोगों को दिल्ली एंट्री लेने में थोड़ी परेशानी जरूर होने वाली है क्योंकि कई रास्ते बंद रहेंगे। हमारे साथ फरीदाबाद से राजा पटेल जुड़ गए। राजा सबसे पहले बताएं फरीदाबाद में जो कार्यक्रम आयोजित होने हैं 15 अगस्त को लेकर उनको लेकर क्या तैयारियां, और फरीदाबाद से बिल्कुल दिल्ली से सटा हुआ है और आज फुल ड्रेस रिहर्सल होनी है 15 अगस्त के मद्देनजर, तो वहां पर ट्रैफिक व्यवस्था की क्या स्थिति है? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि पूरे फरीदाबाद जिस तरीके से मैं आपको बता दूं कि पूरा देश ही कहीं ना कहीं अलर्ट पर है, तो फरीदाबाद को भी पूरे अलर्ट पर रखा गया। मेन जो लोकेशन है फरीदाबाद की, चाहे हम फरीदाबाद की मेन लोकेशन की बात करें या बड़कल विधानसभा की, NH2 हाईवे की या फिर बदरपुर साइड जो की दिल्ली से लगती हुई सीमा है, गुरुग्राम से लगती हुई सीमा है, तो चारों तरफ पुलिस का कड़ा पहरा है, हर जगह नाकेबंदी की गई है। फरीदाबाद बाईपास जो की पलवल की ओर जाता है वहां पर भी तमाम जो पुलिस के जवान है हर एक गाड़ी की बारीकी से चेकिंग कर रहे हैं। मैं आपको बताऊँ की आज फुल रिहर्सल भी फरीदाबाद में होनी है, पूरी तैयारियां हैं। ट्रैफिक की बात करें तो ट्रैफिक रूट्स भी कई जगह ऐसी जगह हैं जहां पर जाम की स्थिति बनती है, उनको डाइवर्ट भी किया गया है। जी चलिए शुक्रिया आपका राजू तमाम जानकारी के लिए। और देश की राजधानी के हालात बताने के लिए हमारे साथ संवाददाता जितेंद्र चौधरी जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, सुबह से लगातार खबरें आ रही हैं, चांदनी चौक से सटे हुए इलाके जो हैं वहां पर अभी फिलहाल किसी का भी आना रोक दिया गया है, और 15 अगस्त की तैयारियों को लेकर सब कुछ बताएं, इसके अलावा ट्रैफिक व्यवस्था के क्या हालात आज? अगर बात की जाए तो दिल्ली की सीमा में आने वाले जो ट्रक है उनकी एंट्री पहले ही बैन कर दी गई है और इसको लेकर के अभी जल्द ही मेट्रो को लेकर के भी एडवाइजरी जारी की जाएगी और मेट्रो के समय में भी कटौती की जाएगी। और जिस तरीके से अमूमन ये सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के प्रक्रिया है जो कि खासतौर से दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों में इस पर विशेष ध्यान दिया जाता है, भीड़ भाड़ वाले इलाकों की जो मार्केट है, खान मार्केट की बात करें, चांदनी चौक की बात करें, सदर बाजार की बात करें, इस तरीके की जो मार्केट है यहाँ पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। और साथ ही जो तमाम सीमाएं हैं आसपास के राज्यों से लगती दिल्ली की जो सीमाएं हैं वहां पर भी बैरिकेटिंग लगा करके एक एक वाहन पर नजर रखी जा रही है और बाहरी वाहनों के साथ साथ कमर्शियल जो वाहन है उनको उन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, यहाँ तक कि कमर्शियल जो ट्रक है उनको जी करने को लेकर जी जितेंद्र, देश में जो हालात हैं अभी कई बड़े फैसले सरकार ने दिनों लिए हैं, तो ऐसे में पूरे देश में एक अलर्ट जारी किया गया है। और अगर मैं पुलिस की बात करूं, सुरक्षा बल की बात करूं, जो तस्वीर राजधानी दिल्ली में या उसे सटे हुए इलाकों में देखने को मिल रही है सुरक्षा के इंतजामों को लेकर,
उनमें कितनी तत्परता या वो कितने अलर्ट मोड पर नजर आ रहे हैं इस वक्त? देखिए बिल्कुल, जिस तरीके से धारा 370 हाल ही का एक निर्णय सरकार की तरफ से एक ऐतिहासिक निर्णय, तो अगर हम बात करें इसको इवेंट या खुशी का मौका देश के लिए कहेंगे, 15 अगस्त को जिस तरीके से ये पूरा कार्यक्रम जो है अमूमन रखा जाता है, उसको लेकर के सुरक्षा व्यवस्था जो है वो पूरे तरीके से चाक चौबंद कर दी गई है। तमाम जो वाहन है उन पर नजर रखी जा रही है और इसके साथ साथ जो खुफिया तंत्र है सरकार का वो भी लगातार एक्टिव बना हुआ है ताकि कोई भी अप्रिय घटना ना हो सके। चलिए शुक्रिया जितेंद्र आपका तमाम जानकारी के लिए। तो राजधानी दिल्ली से लेकर हरियाणा के तमाम क्षेत्रों में सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम, इससे ट्रैफिक व्यवस्था जरूर थोड़ी प्रभावित हुई है, लेकिन देखिए इस पर्व की तैयारी सुरक्षा बल और तमाम जवानों द्वारा हमारे लिए ही की जा रही है और हमारी सुरक्षा के मद्देनजर ही ये आम नागरिकों की जिम्मेदारी है कि सुरक्षा बल के इन व्यवस्था में आप पूरी जिम्मेदारी के साथ सहयोग करें और आजादी के इस पर्व को बेहद धूमधाम के साथ मनाएं। इसी के साथ खास पेशकश में इतना ही।